तो आज हम लोग आए हैं डालाकोट के गुलजू मंदिर में और यहाँ आजकल भागवत लगा हुआ है। तो हम लोग आज यहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से भागवत किया जाता है और कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कथाएं पहाड़ी में भी बोली जाती हैं। तो ये ऊपर है गुलजू भगवान का मंदिर और ये रहा डालाकोट का गांव। इसी डालाकोट के नाम से ये गोलू देवता का मंदिर जाना जाता है। ये देखिए बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। HR नंबर है, दिल्ली नंबर है, UK 04 नंबर है। ये देखिए इतने बुजुर्ग लोग भी गुलजू देवता के दर्शन के लिए आए हैं। चलिए हम आपको ऊपर जाके मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। और ये देखिए ऊपर को पत्थर की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ताकि ऊपर जाने में कोई भी कठिनाई ना हो। और ज़्यादातर यहाँ पहाड़ों में पत्थर का ही काम किया जाता है। और ऊपर भागवत शुरू हो चुका है। नीचे ये देखिए भंडारा लगा हुआ है, तो भंडारे के लिए पूरी और सब्जियां बनी हुई हैं। और ये यहाँ पर टेंट लगा हुआ है भगवान सिंह पैनवाल जी का। और पहाड़ों में जो भी कुछ भी फंक्शन होते हैं, ये देखिए ऐसे चांदनी लगाई जाती है, टेंट और चांदनी लगाई जाती है। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी यहाँ भीड़ है। और ये है गोलू देवता का मंदिर। दोस्तों ये है गुलजू का मंदिर, डालाकोट के जो गुलजू हैं उनका मंदिर है। और यहाँ विराजमान है गोलू देवता। ये देखिए उनकी ये प्रतिमा है जो कि घोड़े में विराजमान है और हाथ में तलवार लिए हुए। और यहाँ पूजा के रूप में पुजारी जी बैठे हैं और बहुत सारे दिए वगैरह जले हुए हैं। और ये है ध्वनि जो कि हर मंदिर में पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए इसमें जब भी जो भी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो यहाँ आग जलाते हैं। और इस ध्वनि में गाजी फौड़ ये लगाए हुए हैं, चिमटा लगा हुआ है। और इसी के सानिध्य में कुछ और भगवानों की प्रतिमाएं रखी गई हैं। ये देखिए और भागवत लगने से पहले यहाँ नौमत लगाई जाती है जो कि ढोल और दमो बजा के शुरू किया जाता है। तो जब भी ये शुरू होता है उससे पहले ढोल और दमो बजाया जाता है। और ये हैं भागवताचार्य जी जो कि हल्द्वानी से आए हुए हैं और इनका मूल गांव है कोल, जो कि सुवाखान से 10-12 किलोमीटर आगे है। और देखिए कितनी भारी भीड़ भागवत सुनने के लिए आई हुई है। और यहाँ रसीद काटी जा रही है, जो भी कुछ देना चाहता है अपने स्वेच्छा से। बहुत चरवाहा आया और उसने देखा कि एक राजकुमार इस घने जंगल में क्या कर रहा है। वो चरवाही तो करते थे। चरवाहा आया और कौन हो, कहां से आए हो? बोले भैया मैं आया तो बहुत ही दूर से हूँ, हजारों किलोमीटर। और ये हैं हमारे फूफा जी, मैंने और ये इनके मामा हैं, गाय पालता हूँ नारायण मामा, सेवा करता हूँ रोज, गौ माता की सेवा करता हूँ, गाय का पालन करता हूँ, अपने घर को गोबर से लीपता हूँ, गोमूत्र से का
से स्नान करता हूँ, गोमूत्र का सेवन करता हूँ, गाय के दूध को पीता हूँ। ये देखिए बहुत दिनों बाद मिल रहे, तो वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, क्योंकि ये काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं तो पहचानने में दिक्कत हो रही है। और भगत लोग लगातार भागवत सुनने के लिए आ रहे हैं।